खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं टोबा टेक्सिंग का, जहां टोबा हॉकी स्टेडियम में उस्ताद उमर हॉकी अकेडमी रजिस्टर टोबा टेक्सिंग के जरिए तमाम 6 सितंबर को शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के सिलसिला में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद 11 और मेजर शबीर अजीज भट्टी शहीद 11 हॉकी टीमों के माबेन एक दोस्ताना हॉकी मैच खेला गया। इस वक्त टोबा से हमारे साथ मौजूद हैं अताउल्ला वेंट से, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अताउल्ला, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। हॉकी अकेडमी में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है 6 सितंबर के हवाले से आज एक मैच खेला गया। मैं इसी हवाले से उस्ताद उमर मेरे साथ मौजूद हूँ, इनसे बात करते हुए मैच खेलने का क्या मकसद था और कौन कौन सी टीम ने जो मैच है वो खेला है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप सब दोस्तों का शुक्रिया कि आप अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के ग्राउंड में तशरीफ लाए। मीडिया के दोस्त, सहाफ़ी दोस्त, जो सब उन सब का शुक्रिया कि ये मैच अफवाज पाकिस्तान और शहदा पाकिस्तान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करने के लिए ये मनकद किया गया। बच्चों ने, खिलाड़ियों ने बड़े जोश व जज्बे के साथ उनको खराज तहसीन पर पहुँचाया। बच्चों की ट्रेनिंग से लगता था कि इनका जोश व खरोश काबिल दीद था और उन्होंने भरपूर कोशिश की कि शहदाए पाकिस्तान, शहदाए वाजे पाकिस्तान को खराज तहसीन पहुँचाएँ। इसी हवाले से आज कितनी टीमें खेल रही थी और कौन कौन सी टीम थी? एक टीम थी मेजर अजीज भट्टी शहीद 11 के नाम से और दूसरी कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद 11 के नाम से। ये दोनों टीमों के मबैन मैच हुआ था और मेजर अजीज भट्टी शहीद 11 की टीम ने 3 के मुकाबले में 2 गोल से जीता। ये इस मैच कराने का क्या मकसद है कि आप क्या चाहते हैं कि ये इस तरह के मैच होने चाहिए या नहीं होने चाहिए आइंदा, और बच्चों की जिंदगी पर इस पर क्या असर पड़ता है? ये बच्चों की ज़िंदगी पर पॉजिटिव रिजल्ट जाता है कि उनको पता चले, अवेयरनेस हो कि हमारे शहदा क्या थे, उन शहदा के मतलब ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे शहदा ने हमारे मुल्क के लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे लिए क्या कुर्बानियां दी हैं। उन कुर्बानियों को इन बच्चों में अवेयरनेस पैदा करने के लिए इनका मैचेस का इनकार किया जाता है और इन मैचेस का इनका सरकारी सतह पे भी होना चाहिए। हम तो क्लब लेवल पे, एकेडमी लेवल पे ये मैच करवा रहे हैं अपने तौर पे, लेकिन इनकी सरकारी सरपरस्ती हो और मज़ीद अच्छे तरीके से ये इनको मैनेज किया जा सके और मज़ीद अच्छे तरीके से बच्चे मोटिवेट हों। जी बिल्कुल, उस्ताद उमर का यही कहना है कि ऐसी तकरीबा जो है, ऐसे प्रोग्राम उनके होने चाहिए ताकि जो बच्चे हैं उनको भी मालूम हो सके कि हमारे शहदा ने क्या 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 है। ऐसी तकरीबा हर साल और हर ज़िले में इस तरह होनी चाहिए। कैमरा रशीद के साथ अताउल्ला वेंस, ग्रेट न्यूज़ टू बटे।